अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, क्लास वन, व्हाट वी वर डूइंग, वी वर रीडिंग द चैप्टर हैप्पी द हिप्पो। हैप्पी द हिप्पो की रीडिंग कर रहे थे ना हम। चलिए अब हम इस पेज की रीडिंग करते हैं, पेज नंबर 61। चलिए आइए तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। N O N O N O N O, यू नो द वर्ड SAYS, सेज। और क्या बताया था मैंने, इसकी मीनिंग क्या होते हैं। सेज मीन कहना, से मीन कहना, सेज रीड इट। पेनी, हु इज पेनी, पेनी इज ए हैन। शी, व्हाट्स द वर्ड, हॉप्स, HOPS, हॉप्स। हॉप मीन होता है फुदकना, जैसे कोई भी बर्ड होती है, कोई भी बर्ड होता है, जैसे हैन होती है या कोई और बर्ड है, तो आपने देखा है वो किस तरह यूं यूं करके फुदक रही होती है, तो उसे कहते हैं हॉप। हॉप अप्स एंड डाउन, यानी ये देखें, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यानी यूं करके अप हुई, फिर यूं करके नीचे हुई, फिर अप हुई, फिर नीचे हुई, इसे कहते हैं अप एंड डाउन। हॉप्स अप एंड डाउन, शी हॉप्स, hops, H-O-P-S, 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 hops, she hops up and down. Who hops up and down? Penny hops up and down. You are silly, happy, you are silly, you are silly. You किसे कहते हैं, Y-O-U, आप, तुम, यू आर सिली, सिली, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, सिली, SILLY, सिली, सिली मीन आई टोल्ड यू बिफोर, बेवकूफ, यू आर सिली हैप्पी, you are silly happy, no, N-O, no, I am not silly, I'm not silly, says happy, says happy, I am happy the hippo, I am happy the hippo. Yes, Y-E-S, yes, Y-E-S, yes, Y-E-S, yes. क्या होते हैं yes mean? हाँ हाँ जी, yes yes yes, says Penny. Yes yes yes, says Penny. You are happy the hippo. You are happy the hippo. You are happy the hippo. And A-N-D, and A-N-D, and A-N-D, and I am a happy hen.
आई एम अ हैप्पी हैन, आई एम अ हैप्पी हैन। हैप्पी मीन खुश, हैप्पी मीन खुश। वी आर बोथ हैप्पी, बी ओ टी एच बोथ, बी ओ टी एच बोथ। बोथ मीन हम दोनों, बोथ मीन दोनों, बोथ मीन दोनों। वी आर बोथ हैप्पी, वी डब्ल्यू ई वी, और वी मीन क्या होता है, हम। ये जो हैन है ना, ये बोल रही है हिप्पो को, बोल रही है तुम और मैं, यानी हम दोनों। वी आर बोथ, हम दोनों, वी आर बोथ हैप्पी, वी आर बोथ हैप्पी, हम दोनों खुश हैं। वी आर बोथ हैप्पी, बी ओ टी एच बोथ, 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 बी ओ टी एच बोथ। वी आर बोथ हैप्पी, वी आर बोथ हैप्पी, वी आर बोथ हैप्पी। ए एन डी एंड, ए एन डी एंड, ए एन डी एंड, ए एन डी एंड। डिड इट, पेनी एंड पेनी, द। बहुत प्यारे बच्चे हैं, खुद खुद पढ़ते हैं आगे से आगे, कितने प्यारे बच्चे हैं। जल्दी से बताइए क्या लिखा है ये, हैन, क्या लिखा है, हैन। और ये पढ़िए, ये क्या है, इट्स ए न्यू वर्ड है ना, आई थिंक इट इज न्यू फॉर यू, ये आपके लिए नया वर्ड है। पिक अप, पिक अप, क्या लिखा है ये, पिक्स अप, पी आई सी के, पिक और एस लगा दिया तो क्या बन गया, पिक्स अप, पिक्स अप, पिक्स अप। ओ सॉरी, आई पिक इट अप, क्या मतलब हुआ पिक का, पिक मीन क्या हुआ, उठाना, पिक अप उठाना, पिक अप उठाना, पी आई सी के एस पिक्स, 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 पी आई सी के एस पिक्स। क्या मतलब होता है पिक का, जब आपकी कोई चीज नीचे गिर जाती है क्लास में तो आप इससे क्या कहते हैं, आप इससे कहते हैं मिस मे आई पिक इट अप, मैं इसे उठा लूं, क्या कहते हैं आप, मिस मे आई पिक इट अप, मे आई पिक इट अप, क्या कहते हैं आप, मिस मे आई पिक इट अप, मिस मैं इसे नीचे से उठा लूं, यही कहते हैं ना। तो पिक मीन क्या होता है, पिक अप मीन उठाना, पी आई सी के एस पिक्स, पी आई सी के एस पिक्स।
यूपी आप आ बी आई जी बिग बिग मीन बड़ा बी आई जी बिग बी आई जी बिग बी आई जी बिग एफ ए टी फैट फैट मीन क्या होता है मोटा फैट मीन मोटा एफ ए टी फैट एफ ए टी फैट एफ ए टी फैट आर यू फैट आर यू फैट क्या आप मोटे हैं एफ ए टी फैट एफ ए टी फैट एफ ए टी फैट डब्ल्यू ओ आर एम वॉर्म एंड पेनी द हैंड पिक्स अप अ बिग फैट वॉर्म एंड रीड इट योरसेल्फ आई थिंक यू हैव लर्नड इट शी एस एच ई शी एच ओ पी एस हॉब्स ए डब्ल्यू ए वाई अवे ए डब्ल्यू ए वाई अवे ए डब्ल्यू ए वाई ए डब्ल्यू ए वाई अवे ए डब्ल्यू ए वाई अवे हॉप्स अवे का क्या मतलब हुआ फुदकती हुई चली जाती है हॉप्स अवे हॉप्स अवे यानी फुदकती हुई चली जाती है दूर चली जाती है अवे का मतलब होता है दूर परे हॉप्स अवे ए डब्ल्यू ए वाई अवे ए डब्ल्यू ए वाई अवे ए डब्ल्यू ए वाई अवे एंड शी हॉप्स अवे And she hops away. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. हो गया खत्म पूरा चैप्टर रीडिंग कर लिया हमने अब इसे दोबारा रिपीट करते ठीक है नो अब गौर से बस आपने बस देखना है सिर्फ मुझे नो 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 says Penny no no says Penny she hops up and down she hops up and down you are silly happy you are silly no I'm not silly no I am not silly says happy I am happy the hippo I am happy the hippo yes 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 says Penny you are happy you are happy the hippo and I am a happy hen I am a happy hen we are both happy we are both happy we are both happy and Penny the hen picks up a big fat worm and Penny the hen picks up a big fat worm and she hops away hop 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 मजे का था ना अभी जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट मजा आ जाएगा आपको मुझे यकीन है आपको मजा आ जाएगा आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट आई थिंक टुडे दैट इज इनफ फॉर यू एंड यू हैव टू रीड इट मोर मोर एंड मोर Then you will be able to read the chapter yourself. Thank you. Oh, I have forgotten a thing. I think you have noticed it.
एक चीज मैं बताने से रह गई, मुझे याद ही नहीं रही बताना, और मेरे ख्याल में आपने उसे नोटिस किया है। क्या? मैंने ये रेड रेड क्यों किया हुआ है सबको? इसलिए कि देखिए, जब हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। इसी देखिए, यहां सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहां पे सेंटेंस फुल स्टॉप है ना, इसके बाद नया सेंटेंस आ रहा है यहां पे। ये देखिए, ये भी कैपिटल लेटर से है, ये देखिए ये भी कैपिटल लेटर से है, और ये देखिए ये न्यू सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये भी कैपिटल लेटर से है। आई, आई क्यों कैपिटल में है? I told you before, बताया है मैंने पहले आपको, है ना, कि जहां भी I अकेला आता है, यानी मैं, इसका मतलब क्या होता है, मैं, तो इसे किस में लिखते हैं? इसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और ये देखिए सिली है, ये सिली क्यों कैपिटल में है? ये इसलिए कैपिटल में है कि हैप्पी, ये समझा, ये नाम है, तो नाम तो हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं, नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। आपका नाम भी, मेरा नाम भी, स्कूल का नाम भी, अम्मी का नाम भी, अब्बू का नाम भी, सब भी किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। वी राइट द नेम्स विद कैपिटल लेटर, ऑलवेज वी राइट द नेम विद कैपिटल लेटर्स। अच्छा, आप ये देखिए, यहां सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, है ना, तो देखिए कैपिटल से है, और ये देखिए पेनी नाम है, नेम है ये, तो ये भी कैपिटल से है, और ये देखिए यहाँ फुल स्टॉप हो गया, यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया। अब यहाँ से जब दोबारा शुरू हुआ तो देखिए फिर कैपिटल लेटर आ गया, और ये देखिए हैप्पी द हिप्पो, ये नाम है इसलिए कैपिटल में है, और ये देखिए आए हमेशा कैपिटल आता है, और ये देखिए ये सेंटेंस यहां एंड हो गया, लेकिन अब यहां से न्यू सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए हमने डब्ल्यू क्या किया, कैपिटल किया, और यहां भी न्यू सेंटेंस स्टार्ट हुआ है इसलिए कैपिटल से है, पेनी नाम है इसलिए कैपिटल से है, नाम है इसलिए कैपिटल से है, और यहां भी सेंटेंस नया शुरू हुआ है इसलिए कैपिटल से है, और यहां पर भी कैपिटल से किस लिए है, नया सेंटेंस शुरू हुआ है। तो अब हमने अपने जहन में रखना है क्या, कि जहां भी न्यू सेंटेंस शुरू कर रहे होते हैं फुल स्टॉप के बाद, या सबसे पहले जब हमने काम शुरू किया है, या कोई आंसर लिख रहे हैं, तो उसे किससे लिखते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। और कहां आता है कैपिटल लेटर? तमाम नाम जो होते हैं, अम्मी का नाम, अब्बू का नाम, मिस का नाम, अपना नाम, दोस्तों का नाम, वो सब किससे लिखते हैं, किसी जगह का नाम, वो सब किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये हमने याद रखना है। तो अब हमने हमारी रीडिंग पूरी हुई, और फिर अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी बार बार रीडिंग करके प्रैक्टिस करनी है, हमने इस चैप्टर को बार बार सुनना है और बार बार खुद रीड करना है। क्यों? इसलिए कि ऐसा करने से हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम खुद से इंग्लिश पढ़ने लगें, है ना। तो बस अब आपने ये करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।